नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बॉबी फिलिप्स है और मैं सिडनी में का निवासी हूँ। आज भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो उस बात पे आप लोगों को सभी मेरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को और दोस्तों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलो आज का स्टोरी में जो बात करने जा रहा हूँ, आज एक ऐसा कहानी लेके आ रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने जो पहले बात तो ये बहुत पुरानी कहानी है, आप लोग ने सुना रहेगा का गौतमा का नाम क्या, गौतमा बुद्धा नहीं, बुद्धा उनका नाम नहीं है, गौतमा जो उनका नाम जो है इट्स समथिंग डिफरेंट, सिद्धार्था, गौतमा सिद्धार्था है उनका नाम। तो वैसे बहुत सा बुद्धा है, पहले भी है आज भी है। तो आज जो मैं कहानी कहने जा रहा हूँ, तो एक बार गौतमा अपना मंडली रखा हुआ था, सो उनका सभा बुलाया गया था, बहुत सवेरे की बात है। तो वहाँ पे एक बंदा एक कोने में खड़ा था, ठीक है। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब हम हिंदुस्तानी हमारे वहाँ पे काफ़ी देवी देवता हैं, और जो भी जैसे कि जो भी देवी के पूजा करते हैं या तो देवता के पूजा करते हैं तो उन्हीं पे झटा रहता है, मतलब दूसरे कोई नहीं। तो गणपति का पूजा है तो गणपति को क्या डिसाइपल बन जाते हैं, या तो राम का या तो यीशु का, जो भी है ना। तो हम लोग हमारे कल्चर में ही है ये, जो हमारे अंदर की है ना, हम लोग वही उसी को मानेंगे। जैसे कि राम का भक्त हुआ तो राम राम कहेंगे, जहाँ पे भी आया गया जो राम, राम 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 राम। जैसे कि श्री कृष्ण को होएगा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि हमारे क्रिश्चियनिटी में भी वही होता है कि यीशु के नाम से बोला जाता है, तो वी आर वेरी पायस, हमारे जो कल्चर में ही है ये चीज़। तो वैसा एक बंदा वहाँ पे जब सभा किया था जो गौतमा ने सुबह सवेरे की वक्त है, तो उनके पूरे सभी वहाँ पे आदमी आ गए थे, उस गांव के लोग आ गए थे उनके बात सुनने के लिए, प्रचरण सुनने के लिए। तो वहाँ वो बंदा जो है वो एक कोने में खड़ा था, ठीक है। वो था राम का भक्त, ठीक है। लेकिन काफ़ी सालों से उस बंदे ने ना राम के नाम पे ने इतना इतना मंदिरें बना चुका है, लेकिन उसका उम्र भी बढ़ते जा रहा है। तो उसको एक डाउट आया, उसको एक है ना एक अंदर चिंता है कि यार मैं तो मेरा पूरा जिंदगी राम के नाम पे गुजारा, अगर क्या अगर भगवान ही एग्जिस्ट नहीं होता, अगर सच में देवी है क्या वहाँ पे। तो उन्होंने गौतम से पूछा कि गौतम गुरु जी, मुझे एक चिंता है और उसका उपाय चाहिए आपसे। तो उन्होंने उससे कहा कि मतलब गौतमा से पूछा कि मतलब डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है या नहीं। तो गौतमा ने बोला, उनको देखा उनके चेहरे पे और कहा कि नहीं, ठीक है। तो उनके डिसाइपल जो वहाँ पे बैठे थे, लोग बैठे थे एकदम उछल के, मतलब ना कूद के ना संतुष्ट मनाने लगे कि मतलब अरे गॉड है ही नहीं, और कौन बोल रहा है, ये बुद्धा बोल रहे कि मतलब गॉड डजन एग्जिस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि है ना, जब गौतम बुद्ध को जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो चिंता में उलझ जाते हैं, और ना उसके बाद वो बहुत सोचने के बाद वो बोलता है, उसका जवाब देता है। तो आज क्या हुआ, गौतमा सेड नो इमीडिएटली, गॉड डजन एग्जिस्ट। वहाँ पे जो भी बैठे थे ना, मतलब ना बहुत संतुष्ट हो गया और बोले कि ना गॉड डजन एग्जिस्ट, मतलब भगवान है ही नहीं। यू नो पूरा गांव में है ना ढिंडोरा पिटने लग गया कि मतलब ना गौतम ने कहा कि ना वहाँ पे गॉड भगवान नहीं है ना। तो अभी किसी को डरने की कोई बात नहीं, मतलब ना जैसे कि मतलब कोई अगर मुझे अगर पूजा नहीं किया तो दंड मिला जाएगा, ये नहीं किया तो सभी पूरे गांव वाले ना बहुत एकदम उछल कूद के ना बहुत सेलिब्रेशन करने लगे। और ये बंदा जो पूछ रहा था, जो राम के भक्त था, उसने उन्हें पूछा मतलब गॉड एग्जिस्ट, बोला नहीं। और उसके बाद शाम के वक्त दोबारा वहाँ पे एक महफिल जमी, ठीक है, जहाँ पे गौतमा के और पूरे गांव के लोग आए वापस वहाँ पे ना। तो उस टाइम पे एक चार्वक ना का एक आदमी आया, और चार्वक का ये ऐसे इंसान होता है जो आर वेरी मेटीरियलिस्टिक, मतलब ना उनको टच किया मतलब अगर है तो है, भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं, ओके। उनको वो लोग विश्वास नहीं करते, मतलब ना भगवान को विश्वास नहीं करने वाले, ओके। उनको दिखा तो देखे विश्वास करे, नहीं दिखा तो नहीं दिखे। तो वो बंदा भी वहाँ पे आया था, तो कभी है ना वो गांव-गांव में जाते हैं, बोलते उसका उसका वो ये है कि प्रचलन ये है कि है ना भगवान एग्जिस्ट नहीं है,
ओके, सभी जगह पे ना, अगर उसके पास 10 मिनट अगर दे दिया गया, तो आप अगर विश्वासी हो तो आपको अंधविश्वास मतलब है ना, ना विश्वासी में कन्वर्ट कर देगा, ओके भगवान नहीं है। तो वैसे एक बंदा वहां पे खड़ा था उसी जगह पे शाम के वक्त, तो गौतम वहां पे खड़ा था, तो ये बंदा आया वहां पे, और वो भी 50-60 साल का 70 साल का बंदा है, वो आके बोला, गुरु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपसे, तो मुझे पूछिए। तो उन्होंने बोला कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो गौतम उनको देखा और बोला हाँ बिल्कुल। तो उनके डिसाइपल्स वहां पे जो भी बैठे वो लोग एकदम अचंभित हो गए और बोले कि मतलब सुबह तो कहा था कि मतलब नहीं है, और अभी कह रहे कि है करके, अभी हम विश्वास क्या करें। सो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैं जो हिंदी में बात कर रहा था बिकॉज हिंदी दिवस था, तो कोशिश कर रहा था भाई लोग, तो मेरे इसमें हिंदी में कुछ अगर गलती हो तो माफ कर देना। सो नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश, ओके, लेट्स टेक इट अप नाउ। सो इन द मॉर्निंग दिस दिस गाय हु इज अ फॉलोअर ऑफ राम, ही इज आस्किंग गौतम बुद्धा दैट डज गॉड एग्जिस्ट, एंड ही इज अ ट्रू बिलीवर, एंड गौतम बुद्धा सेज नो, एंड एवरीवन हैज रिजॉइस्ड इन द whole city or the whole village. And in the evening during the when the congregation new congregation came up, this Sarvak person who is a materialistic person, he asked the same question, does God exist? And he says yes. Okay, now they all are confused, like whether God exists or does not exist. So the possibility is like, it is depending upon you whether God exists or not. If you are a true believer, God exists. If you are not a believer, God does not exist. But the life still goes on. Okay, you both are on the same boat. The life still goes on. The sun will rise, the sun will set. You are here in this world, in this earth, in this boat. And whether you're a believer or non-believer, it does not matter. Now, on the contrary, if you say, I don't know whether God exists, the possibility of asking, the desire to see, the desire to know exists, whether God exists. Once the desire to know exists, the desire to seek exists. Once the desire to seek exists, the possibility of knowing, the possibility of knowing exists. You understand? Once the possibility of knowing exists, that is where you start seeking God, or you will try to get answers and you will be knowledgeable. So on that note, ladies and gentlemen, today I spoke about whether if God exists. And to be very frank, this is a story that has been narrated by Sadhguru, and I'll put in the link in the description below. So go out there, take a dig at the original video. I tried to speak in Hindi today. Hope I have done justice. If I'm not, and if I made any mistakes, my apologies to you. But hang in there and stay cool, stay safe, and lots of love from Sydney here. My name is Bobby Phillips, and thank you very much for today. And happy Hindi Divas to all Indians out there. All right, God bless you. Bye.